हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस द्वारा निकाली गई वैकेंसी के ऊपर। यानी कि बात की जाए दोस्तों, पोस्टल सर्कल द्वारा निकाली गई वैकेंसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कैसे आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे। दोस्तों बात की जाए ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो आप लोग इंडिया के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं रखा गया है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें तभी आपको पता चलेगा इसके फुल डिटेल के बारे में और अप्लाई सेक्शन के बारे में, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, टोटल जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और लास्ट तक बने रहें। दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोग को इसी प्रकार जॉब से रिलेटेड जेन्युइन वीडियो मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन ऊपर। तो सबसे पहले बात की जाए, सबसे पहले इसमें आपको कौन कौन से पोस्ट देखने को मिला है। तो सर पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पर आपको पोस्ट देखने को मिला रहा है वो पोस्टल असिस्टेंट का। तो सर बात की जाए सेकेंड पोस्ट की, तो सेकेंड जो पोस्ट आपको रखा गया है इसमें सॉर्टिंग असिस्टेंट का। और दोस्तों थर्ड पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे MTS का पोस्ट रखा गया है। यानी दोस्तों बात की जाए तीन पोस्ट पे वैकेंसियाँ कराई जानी है। तीनों पोस्ट दोस्तों काफ़ी मजेदार है, काफ़ी इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट आपको कितने देखने वाले हैं। टोटल पोस्ट की बात की जाए यहाँ पे ये जो वैकेंसी कराई जा रही है 54 पोस्ट पे, यानी 54 पोस्ट पे यह वैकेंसी कराई जा रही है। आप 54 पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके मेन, इसमें किसी भी वैकेंसी का जो मेन होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 10वीं पास है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। प्लस दोस्तों इसमें एक कंडीशन रखा गया है, अगर आप 10वीं पास है तो आप MTS के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही आप 12वीं पास है तो आप लोग पोस्टल असिस्टेंट और यहाँ पर बात की जाए सॉर्टिंग असिस्टेंट का लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों 12वीं पास है तो आप दो पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको ऊपर से बताया था, और यहाँ पे अगर 10वीं पास है तो MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब इसकी एज लिमिट के ऊपर, क्योंकि फॉर्म में सबसे मेन भूमिका एज लिमिट की होती है। तो एज की बात की जाए यहाँ पे तो 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 से 27 वर्ष के बीच में आते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है, आप लोग जरूर अप्लाई करिए। तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको छूट भी मिलती है, यानी कैटेगरी वाइज छूट भी रखी गई है। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है, जितना आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग छूट भी मिलता है। तो अगर आपको जानना है कितना छूट मिलता है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कितना छूट मिलता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके सैलरी के ऊपर। दोस्तों क्योंकि सैलरी भी जानना काफ़ी जरूरत होता है, किस पोस्ट के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसकी सैलरी क्या है। तो सैलरी की बात की जाए जो MTS का पोस्ट रखा गया है इसकी सैलरी बात की जाए यहाँ पे तो 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक इसकी सैलरी है दोस्तों। और ये बात की जाए पोस्टल असिस्टेंट की सैलरी तो यहाँ पे जो 25,500 से लेके यहाँ पे 81,100 रुपये तक। और दोस्तों बात की जाए सॉर्टिंग के लिए तो यही सैलरी रखी गई है, 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक आपको इसकी सैलरी देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपको इसमें देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसके फीस के ऊपर। फीस की बात की जाए कि इसकी कितनी फीस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम फीस कुछ ना कुछ हर एक वैकेंसी में रखा जाता है ताकि वहाँ की व्यवस्था अच्छे से बनाई जा सके। दोस्तों यहाँ पे फीस की बात की जाए तो इसमें जो एग्जाम शुल्क रखा गया है 100 रुपये रखा गया है, और जो 100 रुपये रखा गया है सभी कैटेगरी के लिए रखा गया है। यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 100 रुपये लगने वाले हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं है। SC ST OBC UR कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें यहाँ पे 100 रुपये देने पड़ेंगे। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे 100 रुपये कैसे देने पड़ेंगे तो वह भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए क्या है दोस्तों, आप लोग को उससे पहले जानना जरूरी है कि यह फॉर्म ऑफलाइन या ऑनलाइन। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यह जो वैकेंसी है वो आपको ऑफलाइन देखने को मिलेगी। दोस्तों ऑफलाइन देखने को मिलेगी, और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रीन पे एड्रेस दिख रहा होगा, स्क्रीन पे एड्रेस दिख जाएगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अब आप लोग के माइंड में चल रहा है कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें, तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन रखा है, उसी नोटिफिकेशन में दोस्तों आपका इसका फॉर्म मिल जाएगा। आप किसी साइबर वाले के पास जाके इसका जेरोक्स निकलवा के वहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सुन लीजिए टेलीग्राम में मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च मारिए दोस्त IQ1 सर्च मारेंगे आपको वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।
आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो दोस्तों है punjabcircle.gov.in पे जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, punjabcircle.gov.in पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यह मतलब वैकेंसी लोकेशन की बात की जाए तो इस वैकेंसी का लोकेशन पंजाब है दोस्तों। पंजाब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी आप मतलब आप किसी भी इंडिया किसी भी क्षेत्र से हैं आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैंने आपको टोटल बता दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पोस्टल एड्रेस। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अब मतलब कौन से लोग इससे सबसे दोस्तों अब मेन पॉइंट आता है कि इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि यह जो वैकेंसी है वह स्पोर्ट कोटा कैटेगरी के लिए रखी गई है। अगर आप स्पोर्ट कोटा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी अगर आप आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है और यहाँ पे बात की जाए इंटरनेशनल नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान सुनिए दोस्तों, स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी है, स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर इस वैकेंसी से जुड़ी आपको कुछ भी शिकायत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके स्टार्टिंग डेट के बारे में और लास्ट डेट के बारे में। तो जो इसका स्टार्टिंग डेट रखा गया है 10 जुलाई 2021, ध्यान सुनिए दोस्तों 10 जुलाई 2021, और लास्ट डेट की बात की जाए यहाँ पे तो 18 अगस्त 2021 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी लंबा गैप मिला है तो इसी गैप में आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोग इस फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर सके दोस्तों। इसी प्रकार रियल जॉब जेन्युइन जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जाते जाते दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।